A very good morning, students. Aaj hum ek naya chapter start karne ja rahe hain jo bahut bahut important hai. That is ecosystem. Maine aapko pehle bhi bataya hai 12th class ki ecology ke jo 4 chapters hain jinme se hum 2 pad chuke hain, organisms and populations and biodiversity and its conservation. Wo do plus ecosystem and the last chapter which is environmental issues. In charo chapters ko milakar NEET mein every year almost 12 to 14 questions expected hote hain. और एम्स में भी स्टूडेंट 60 क्वेश्चंस अगर हम बायो की माने तो उसमें से 6 से 8 क्वेश्चंस तक भी इकोलॉजी से आ जाते हैं. तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है. और हमने जो अभी तक 2 चैप्टर्स कवर करे हैं उसमें हमने बहुत सारी ट्रिक्स और स्टोरीज से फैक्ट्स को लर्न किया था, बिकॉज समझना और उसको लर्न करने का काम इन चारों चैप्टर्स में बहुत है. उनके कंपेरिजन में ये जो चैप्टर है स्टूडेंट, ये काफ़ी ईजी है बट वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और फैक्ट्स आपको लर्न है. हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स इसमें यूज करेंगे ताकि हम उन सब फैक्ट्स को बाय हार्ट लर्न कर सके. इजी इसलिए कहूंगी क्योंकि इसका एक बेसिक आइडिया आपको आपकी प्रीवियस जूनियर क्लासेस से है. मुझसे पूछेंगे तो चारों जो इकोलॉजी के चैप्टर्स हैं उसमें से दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, बिकॉज इट्स मोस्ट ईजी टू अंडरस्टैंड. इट्स लाइक यू नो फन लाइक स्टडिंग. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इकोसिस्टम. नाउ स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर में ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस में जब इकोलॉजिकल हायरार्की पढ़ी थी, मैंने एक ट्रिक के साथ आपको बताया था कि बेसिक लेवल जो है सबसे नीचे इंडिविजुअल आता है. इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन एन एरिया टुगेदर, उसे हम कहते हैं एक पॉपुलेशन. जैसे एक ह्यूमन की पॉपुलेशन हो गई एक एरिया में, कॉकरोचेस की पॉपुलेशन हो गई, फ्रॉग्स की पॉपुलेशन हो गई, ये पॉपुलेशन है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. और जब बहुत सारे पॉपुलेशंस एक एरिया में टुगेदर व्हेन दे लिव वी कॉल इट अ कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिटी की बात करें तो वहां बहुत सारे इंसान ह्यूमन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, वहां काउस की पॉपुलेशन है, वहां डॉग्स की पॉपुलेशन है. तो ये सारी जो लिविंग पॉपुलेशन हैं इन्हें टुगेदर वी कॉल बायोटिक कम्युनिटी. और ये सारी कम्युनिटीज जब उस एरिया के एबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं तब बनता है इकोसिस्टम. बहुत सिंपल है समझना. जैसे अगर हम एक सिटी की बात करें तो एक सिटी के अंदर अगर हम हमारे घर की बात करें तो मेरे घर में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे इन-लॉज हैं, मेरे पेरेंट्स भी आते हैं, हम तो ह्यूमंस हो गए, प्लस थोड़े बहुत एनिमल्स हैं, मेरा पेट है, पेट डॉग है, सभी के घर में लिजर्ड्स होती हैं, कुछ कॉकरोचेस होते हैं, तो हम सब तो लिविंग कंपोनेंट बना रहे हैं. बट क्या हम सब बिना वाटर, बिना एयर, बिना सनलाइट, बिना यू नो व्हाट डू वी से लाइट, क्या हम इसके बिना रह सकते हैं? बिना ऑप्टिमम प्रॉपर टेम्परेचर नहीं रह सकते, वी कैन नॉट सर्वाइव. तो मेरे घर में हम सारे लिविंग प्लस सारा जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हैं, अगर हम उसे मिला दें तो मेरा घर मेरे लिए एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है, एक ऐसी यूनिट है जहां पर मैं आराम से अपनी लाइफ खुद स्पेंड कर सकती हूं और प्लस उसे रेगुलेट कर सकती हूं. तो ये क्या हो गया, एक इकोसिस्टम हो गया. माय हाउस इज लाइक एन इकोसिस्टम फॉर मी. अगर हम कंट्री लेवल पे बात करें, एक सिटी की बात करें, एक सिटी में बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं, कम्युनिटी हैं, बायोटिक कम्युनिटी, प्लस वहां पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है, एयर है, सनलाइट है, तो वो सिटी खुद बिना किसी दूसरी सिटी पे डिपेंड हुए अपना सर्वाइवल खुद सस्टेन कर सकती है, सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेनिंग है. तो ऐसे ही स्टूडेंट्स नेचर में भी, एनवायरमेंट या नेचर में भी जो यूनिट सेल्फ सस्टेनिंग है, सेल्फ रेगुलेटरी है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. और हमेशा ध्यान रखिए, एक बहुत बेसिक सी बात है, बिना नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स के लिविंग कम्युनिटीज कभी सर्वाइव नहीं कर सकती हैं. और जब हम इकोलॉजिकल हायरार्की पढ़ते हैं तो सबसे पहले आया इंडिविजुअल, फिर आई पॉपुलेशन, फिर आई कम्युनिटी. सिर्फ अगर हम कम्युनिटी होगी, सिर्फ लिविंग, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर, वाटर, एयर, विंड, ये सब कुछ नहीं मिला, सॉइल फैक्टर्स, ये सब कुछ नहीं हुए, तो ये कम्युनिटी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी. तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लेवल तक सेल्फ रेगुलेटरी या सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट नहीं कह सकते हैं. वो कब बनती है? जब
वो एबायोटिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं और बनाते हैं इकोसिस्टम। हाँ, बहुत सारे इकोसिस्टम फिर बायोम बनाते हैं और फाइनली बायोस्फीयर बनता है, वो भी सेल्फ सस्टेनिंग है। लेकिन स्मॉलेस्ट बेसिक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट कौन सी है? इकोसिस्टम। ऑलराइट, तो आइए पहले हम इतना लिखते हैं। सो व्हाट इज इकोसिस्टम? लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन। वेरी सिंपल, बायोटिक यानी लिविंग एंड एबायोटिक यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का जो इंटरैक्शन है, जिसके कारण से एक सेल्फ सस्टेनिंग यानी जो खुद बिना किसी पे डिपेंड हुए पूरा सस्टेन कर सकती है, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट जो बनती है, दैट इज इकोसिस्टम। सो इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन, इसके पहले कम्युनिटी होती है, इससे लोअर लेवल, उसमें एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्शन नहीं है तो वो सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकते हैं, यहीं से सेल्फ सस्टेनमेंट आएगा। सो इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक, दैट मींस लिविंग, अब ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, एंड एबायोटिक दैट इज नॉन लिविंग फैक्टर्स और कॉम्पोनेंट्स which results in very very important which results in self-sustaining and self-regulating unit and this unit is called ecosystem. Ecosystem, self-regulating, self-sustaining, biotic and abiotic together, right? अब जैसे for example एक pond की बात करें, कहीं पर एक तालाब है, वहां बहुत सारी लिविंग स्पीशीज हैं, वहां पर फ्रॉग्स होंगे, कुछ टैडपोल्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, एल्गी, ये सब होंगे, ये लिविंग बायोटिक कंपोनेंट है। बट अगर उस पॉन्ड में सनलाइट नहीं आए तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड नहीं बनेगा, प्रोड्यूसर्स ही नहीं होंगे तो कंज्यूमर्स किन्हे खाएंगे? सो यू नो दैट विल नॉट बी सेल्फ सस्टेनिंग, वो मर जाएंगी वहां की जो लिविंग कम्युनिटीज हैं। तो उसे प्रॉपर अमाउंट में लाइट चाहिए, प्रॉपर अमाउंट टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत ठंड हो गई वो फ्रीज हो गया तो भी मर जाएंगे, बहुत गर्मी हुआ पानी सूख गया, वाटर नहीं हुआ प्रॉपर तो भी उनकी डेथ हो जाएगी। तो यानी कि पॉन्ड को हम इकोसिस्टम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पॉन्ड में सारी लिविंग कम्युनिटीज भी हैं और साथ में टेम्परेचर, वाटर, एयर, ये सब जो है, और ये आपस में जब इंटरैक्ट करके एक हंसी खुशी का माहौल बना रहे हैं, दैट इज इकोसिस्टम। ऑलराइट, चलिए, तो सबसे पहले टर्म इकोसिस्टम किन्होंने दिया था? टर्म इकोसिस्टम, डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट है, ए जी, इनिशियल्स याद नहीं भी रहेंगे तो चलेगा बट टैंसले ये याद होना चाहिए, राइट? सो ही गेव दिस टर्म, इन्हें फादर ऑफ इकोसिस्टम भी कहते हैं। नाउ इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा था कि इकोसिस्टम जो है वो नेचर की या एनवायरमेंट की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे नर्वस सिस्टम है हमारा, हमने 11th में पढ़ा है, उसकी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन। बिना न्यूरॉन के, न्यूरॉन बेसिक यूनिट है। ये हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल। कम से कम बॉडी को एक सेल का होना चाहिए तभी वो सस्टेन कर सकती है। ऐसे ही बायोस्फीयर में, अर्थ के सरफेस पर इकोसिस्टम स्मॉलेस्ट यूनिट है, इससे कम अगर हुआ तो वो सेल्फ सस्टेन नहीं कर पाएगा। यानी अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर एबायोटिक फैक्टर्स फेवरेबल नहीं है, सिर्फ लिविंग कम्युनिटीज हैं, या वो इंटरैक्ट नहीं कर रही है एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी। तो इस सेंटेंस का बहुत सिंपल सा मतलब है, जैसा मैंने आपसे कहा ये बहुत बेसिक चैप्टर है बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो अकॉर्डिंग टू टैंसले, अकॉर्डिंग टू हिम, इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट, ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल हायरार्की की स्मॉलेस्ट, लोएस्ट, बेसिक लेवल क्या है? इंडिविजुअल।
हाईएस्ट लेवल बायोस्फीयर, बट नेचर की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम. इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन नेचर और एनवायरमेंट. एनवायरमेंट. अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे इकोसिस्टम के टाइप्स, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शंस, ये सब कुछ. तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम को बहुत सारे बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है. पहला बेसिस तो ये है कि वो इकोसिस्टम नेचुरली बना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इतने सालों में. जैसे फॉरेस्ट है, हमने थोड़ी ना बनाए हैं. पॉन्ड है, हमने क्रिएट नहीं किया है. डेजर्ट है, हमने क्रिएट नहीं किए. नेचुरली नेचर ने समय के साथ एवोल्यूशन विकास के साथ क्रिएट किया है. सो दे आर कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम. सेकेंड, मैन मेड. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जैसे एक्वेरियम. आप घर में एक एक्वेरियम लेकर आए, उसमें आपने एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर भरा, उसमें याद अगर आपने कभी एक्वेरियम देखा हो, थोड़ा ऑक्सीजन भी सप्लाई की जाती है, एयर दी जाती है, और उसमें फूड डाल दिया आपने मछलियों के लिए, और आप कंपैटिबल, झगड़ने वाली नहीं, कॉम्पिटिटर वाली नहीं, कंपैटिबल फिशेज ला के डाल दी. तो वो फिशेज उसकी लिविंग कंपोनेंट है. वो वाटर, वो एयर, वो फूड जो आप सप्लाई कर रहे हो, ये सब उसका एबायोटिक कंपोनेंट है, और वो खुशी खुशी उसमें आराम से रहती हैं. सो एक्वेरियम हमने क्रिएट किया, इट इज मैन मेड. और एंथ्रोपोजेनिक, हमने एवोल्यूशन में भी पढ़ा है. एंथ्रोपोजेनिक का मतलब जहां भी ह्यूमन इंटरफेरेंस आता है. सो बेसिस क्या है? बेसिस है ह्यूमन इंटरफेरेंस है या नहीं है. इस बेसिस पे टू टाइप्स के हैं इकोसिस्टम. वन इज द नेचुरल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम, यहां पर क्या लिख सकते हैं इनके बारे में? दे आर डेवलप्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन. अपने आप नेचुरली डेवलप हुए हैं. नो ह्यूमन इंटरफेरेंस. नो ह्यूमन इंटरफेरेंस. जबकि सेकेंड होगा एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड इकोसिस्टम्स, राइट? इन्हें डेवलप भी हमने किया है और मेंटेन भी हम करते हैं. सो दे आर डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस. बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस. नाउ सोच के बताइए कि ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज किस में पॉसिबल है. स्टूडेंट्स, नेचुरल इकोसिस्टम फॉरेस्ट है या ग्रासलैंड्स हैं या डेजर्ट्स हैं, सी है, रिवर है, यहां तो बहुत सारी स्पीशीज होती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की. मैन मेड में तो आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज को इंक्लूड करोगे, जैसे जूलॉजिकल पार्क है, बोटानिकल गार्डन है, तो एक लिमिटेड होगा. तो हमने लास्ट टू लास्ट चैप्टर में पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी, मतलब किसी भी गिवन एरिया में कितनी ज्यादा टाइप ऑफ स्पीशीज है. तो किसमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी? नेचुरल में. सो एक और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो गया यहां पे, स्पीशीज डाइवर्सिटी इज मोर. नेचुरली स्पीशीज डाइवर्सिटी इज मोर, और यहां पर लिख देते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी इज लेस, लेसर. नाउ इसके पहले एग्जाम्पल्स लिखते हैं. बहुत सिंपल है इसके एग्जाम्पल्स, तो हम सब पढ़ चुके हैं. पहला एग्जाम्पल छोड़ रही हूं क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आता है. बाकी जो आते हैं आपको वो लिख देती हूं मैं. एक्वेरियम, देन बोटानिकल गार्डन्स, देन याद है आपको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हमने पढ़ा है ये सब. जूलॉजिकल पार्क्स, डैम्स,
एक्सेट्रा. अब जो एक मैंने छोड़ा है दैट इज क्रॉप फील्ड्स. जो बड़े बड़े फार्म्स हमने क्रिएट किए हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स क्रिएट करी है, जैसे गन्ने शुगर केन की खेती जो करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, बहुत सारे प्लांट स्पीशीज हैं, बहुत सारे वहां एनिमल्स भी हैं, बहुत सारे वहां एबायोटिक फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं, और इसे हमने क्रिएट किया है. सो क्रॉप फील्ड्स. और जो क्रॉप फील्ड्स हैं स्टूडेंट्स, इन्हें कहते हैं एग्रो इकोसिस्टम, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम. सो एग्रो इकोसिस्टम. अब मैंने क्यों कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान ने, ह्यूमन ने जितने भी तरह के इकोसिस्टम्स आर्टिफिशियली क्रिएट किए हैं उनमें से लार्जेस्ट यही होता है. सो क्वेश्चन आता है यहां पर दैट लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा है. मैन मेड, नेचुरल से कंपेयर नहीं कर सकते हो, नेचुरल तो ओशियंस फॉरेस्ट कितने बड़े बड़े हैं. ये होता है क्रॉप फील्ड्स और एग्रो इकोसिस्टम. इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. इकोसिस्टम, राइट. नाउ अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल को फिर दो में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो लैंड पे मिल रहे हैं, मिल रहा है इकोसिस्टम, या पानी में मिल रहा है. सो दिस नेचुरल सिस्टम इज अगेन ऑफ टू टाइप्स. वन, बेसिस क्या है, अकरेंस, कहां है वो अकरेंस. कभी भी टाइप्स पढ़ते हो तो अकरेंस जरूर आना चाहिए. टेरेस्ट्रियल, अब टेरेस्ट्रियल से तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जो लैंड पे प्रेजेंट हैं, दे आर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स. सो दे आर फाउंड ऑन लैंड. कुछ एग्जांपल्स दिमाग में आ रहे हैं, फॉरेस्ट, सबसे बड़े जंगल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, सारे फॉरेस्ट, डेजर्ट्स वो भी लैंड पर है, ग्रासलैंड्स लैंड पे है. सो लेट्स राइट फॉरेस्ट. सब डायरेक्ट क्वेश्चंस है. अब आप कहोगे कितना सिंपल है, तभी तो मैंने आपसे कहा है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. डेजर्ट जनरल चैप्टर है, बट कई बार हम जनरल चीजों में ही बहुत गलतियां कर देते हैं, ग्रासलैंड्स एक्सेट्रा. नाउ सेकंड क्या हो जाएगा, जो पानी के अंदर है, यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम्स. दैट इज वी कैन राइट हियर प्रेजेंट इनसाइड वॉटर, inside water bodies. अब इसको फिर दो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो पानी हमें पता है फ्रेश वॉटर हो सकता है या खारा पानी, सॉल्टी वॉटर, मेरीन वॉटर हो सकता है. सो फ्रेश वॉटर एक्वाटिक इकोसिस्टम और मेरीन इकोसिस्टम, दोनों ही एक्वाटिक है. फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल है, पॉन्ड, तालाब, लेक्स, रिवर्स, दीज आर ऑल फ्रेश वाटर. सो लेट्स राइट पॉन्ड, लेक, रिवर. डायरेक्ट क्वेश्चन है पॉन्ड, लेक एंड रिवर. मेरीन में क्या आएगा, एक तो समुद्र, सी, वेटलैंड्स, एस्चुरीज. एस्चुरीज क्या होती है, जहां नदी समुद्र में जाकर मिलती है. सो लेट मी राइट हियर वेटलैंड, देन सी, then estuary, right. अब बहुत important है, अब ये जो fresh water है ये फिर दो टाइप के हो सकते हैं. कैसे, आप इसको नोट करिए फिर हम उसे लिखते हैं, और हम बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ उसको समझ भी लेंगे.